प्रिय साथियों, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं, विषय हिंदी विशिष्ट, सैंपल पेपर 3 है, ये तीसरा नंबर का सैंपल पेपर है। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रख्यात सरोद वादक थे अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, तानसेन, बिस्मिल्ला खां। नंबर 2, विहग वृंद का आशय है पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह, वृक्षों का समूह। नंबर 3, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है अपराजिता। नंबर 4, महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोहन, सोहन, रवि, रमेश। 5, कच्छ पचात वंश का प्रथम राजकुमार था रामकरण, तेजकरण, लक्ष्मण, रुद्रप्रसाद। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुंडा समाज के आराध्य सिंह का अर्थ खालिस्तान है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती खालिस्तान की। कमल का पर्यायवाची खालिस्तान शब्द है, प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है। प्रश्न नंबर 3, अति लघुत्तरी प्रश्न। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ? धर्मस्थ के दो पहिए कौन कौन से हैं? यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे? निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, निरोग, सूर्योदय। निम्नलिखित रसों के स्थाई भाव लिखिए: करुण, भयानक, शांत। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए: पहाड़ टूट पड़ना। प्रश्न नंबर 4, लघुत्तरी प्रश्न। पहला है, सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? दूसरा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यह सच है कि जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, जिस भूमि ने हमारा पालन पोषण किया है, वह भूमि हमारे लिए माता के समान है, क्योंकि वह भी माता की तरह ही हमारा पालन पोषण करती है, हमें समान भाव से देखती है। अ, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ब, मातृभूमि को माता के समान क्यों कहा गया है? प्रश्न 5, बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? अथवा महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता के रूप में क्यों याद किया जाता है? प्रश्न 6, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? अथवा धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न नंबर 7, सूत्र नीति की प्रमुख सावधानियों को लिखिए। अथवा गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की? प्रश्न नंबर 8, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें स्वयं की बीमारी का उल्लेख हो। अथवा अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्तियुक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। अथवा मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पदांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अपने भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अथवा गुन के गाहक सस नर बिन गुन लहे न कोय, जैसे कागा को किला सबस सुने सब कोय, सबस सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक काग सब मय अपावन। प्रश्न नंबर 11, याचक और दाता अथवा नन्ना सत्याग्रही कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय त्यौहार, पुस्तकालय का महत्व। तो ये आपने देखा वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट सैंपल पेपर 3। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।